दोस्तों हमने लियोसिन का अफीम की फसल में ये कैरी में स्प्रे कर दिया है आखिरी तक, आप जो देख रहे हैं। और दोस्तों हम दूसरा जो प्रैक्टिकल है वो कर रहे हैं चने की फसल में। दोस्तों अब हम प्रैक्टिकल करेंगे गेहूं की फसल में। ये जो लकड़ी देख रहे हैं आपने, ये निशाने के तौर पे हमने यहाँ जिन जिन फसलों में हम इसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं उन फसलों को हम 15 दिन बाद वापस से चेक करेंगे, वो भी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में अंत तक आपको दी जाएगी। दोस्तों नमस्कार। जब हमारी फसल अनावश्यक वृद्धि ले लेती है, अनावश्यक ग्रोथ ले लेती है, तो उससे हमारे जो पैदावार है उससे काफ़ी प्रभावित होती है, क्योंकि जब पौधा पूरी एनर्जी उसकी हाइट लेने में ले लेता है तो तब उस कंडीशन में उसमें फल और फूल काफ़ी कम आते हैं और फसल को भी आड़े गिरने की एक समस्या रहती है। पौधे की हाइट कंट्रोल करने के लिए एक दवाई आती है BASF कंपनी की लियोसिन करके, BASF की लियोसिन का प्रैक्टिकल के तौर पे एक डेमो डालूंगा, और ताकि हमें मालूम पड़ सके कि ये कितना काम करती है, कितना हमें इस दवाई का फ़ायदा मिलता है। पहला तो उपयोग करूंगा मैं चने की फसल में, दूसरा उपयोग करूंगा मैं गेहूं की फसल में, तीसरा एक लहसुन की फसल में, चौथा अफीम की फसल में। दोस्तों अफीम की फसल पर लियोसिन न तो कंपनी रिकमेंड करती है और न ही मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अफीम की फसल पर लियोसिन का उपयोग करें। बात करते हैं कि इसका डोज कितना करना चाहिए। तो मैं 15 लीटर की टंकी है, स्प्रे पंप है मेरा, इसमें मैं लियोसिन का उपयोग करूंगा 50 ml प्रति पंप के मान से। कंपनी तो रिकमेंड कम करती है लेकिन मैं अपने रिस्क पर इसका उपयोग करके डेमो डाल रहा हूँ। यह हो गया है 50 ml। 50 ml पहले मैंने टंकी को पानी से आधा भर दिया है और फिर इसको लियोसिन मैंने इसमें डाल दिया है। दोस्तों पहला डेमो जो है हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल अफीम की फसल में। हम प्रैक्टिकल करेंगे ये जो 20 क्यारे हैं हमारे अफीम के प्लाट के, इसमें हम 3 क्यारियों में इसका प्रैक्टिकल करेंगे। दोस्तों हमने लियोसिन का अफीम की फसल में ये कैरी में स्प्रे कर दिया है आखिरी तक, आप जो देख रहे हैं। और इसके जो पास वाला जो कैरी है उसमें हमने स्प्रे नहीं किया, इसको हमने छोड़ दिया है, और इससे आगे जो 2 कैरियाँ है इसमें हम स्प्रे कर रहे हैं। ये जो दो कैरी हैं, ये एक ये और एक ये, इसमें हमने स्प्रे किया है, इसके पास वाला हमने छोड़ दिया है, और इसके जो लास्ट वाला है उसमें हमने स्प्रे किया है, और इससे आगे जो है हमने बिल्कुल स्प्रे नहीं किया है। हमने 3 कैरियों में इसका डेमो डाला है और हम देखेंगे कि 15 दिन बाद और आखिरी तक इसमें क्या क्या रिजल्ट आएगा, ये हम आपको वीडियो के आखिरी में इसका रिजल्ट भी अवश्य बताएंगे। दोस्तों जब आप लियोसिन का उपयोग करते हैं तो एक बात का आपको ध्यान रखना बहुत अवश्य है, ठंडे मौसम में आप इसका उपयोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और दोस्तों हम दूसरा जो प्रैक्टिकल है वो कर रहे हैं चने की फसल में। ये पूरी क्यारी है लेकिन हम इसमें थोड़े एरिया में इसका प्रैक्टिकल डालेंगे। हमने इस साइड के क्यारा छोड़ दिया है और उस साइड उस बाजू का क्यारी भी हमने छोड़ दिया है। हम बीच वाले जो ये क्यारी है इसमें हम थोड़े से एरिया में इसका प्रैक्टिकल करेंगे। हमने यहाँ तक इसमें स्प्रे किया है और आगे का पूरा छोड़ दिया है, और निशाने के तौर पे हमने इसमें एक लकड़ी लगा दी है ताकि 15 दिन बाद हमें इसमें क्या फर्क आता है वो देख सकें। दोस्तों अब हम प्रैक्टिकल करेंगे गेहूं की फसल में। ये जो लकड़ी देख रहे हैं आपने, ये निशाने के तौर पे हमने यहाँ पे गाड़ दी है, और इसमें थोड़े से एरिए में हम इसका लियोसिन का गेहूँ की फसल में उपयोग करेंगे। दोस्तों 5 दिन पहले हमने लियोसिन का डेमो डाला था अफीम में, गेहूं में और चने में। देखते हैं 5 दिन बाद उसका क्या इफेक्ट मिला है।
और दोस्तों साइड इफेक्ट की बात करें तो मैंने बड़े गौर से देखा है, अभी तक अफीम की फसल पर तो इसका कोई साइड इफेक्ट कोई देखने को नहीं मिला है। अफीम की फसल में हमने 3 क्यारी में डेमो डाला था और उनको चेक करते हैं और आपको भी बताते हैं कि उसका कितना रिजल्ट हमें मिला है। दोस्तों ये फर्स्ट वाली जो कैरी देख रहे हैं आप, इसमें हमने स्प्रे किया था और इसके पास वाली कैरी है इसमें हमने स्प्रे नहीं किया था। तो आप दूर तक नज़र दौड़ाएंगे तो इसमें जालियाँ कम दिख रही हैं, मतलब पौधे ज़्यादा टच हुए हैं जाली के, और इस कैरी में हम देखेंगे तो इसमें जाली ज़्यादा दिख रही है, मतलब 5 दिन में हमें कुछ न कुछ इसमें फ़र्क देखने को मिला है। दोस्तों 5 दिन पहले हमने स्प्रे किया था इन दोनों कैरी में, एक इसमें और एक इसमें, इसके पास वाली, इसके जो पास वाली जो कैरी है उसमें हमने स्प्रे नहीं किया था और इस कैरी के पास वाली कैरी में हमने स्प्रे नहीं किया था। तो इसमें फ़र्क अभी 5 दिन बाद ये देखने को मिल रहा है कि अभी जो ये जो सुतलियाँ है इसके कहीं कहीं टच हो रही, मतलब ज़्यादातर पौधे नीचे हैं सुतली से, और इस कैरी में भी इस जो जाल बिछा रखी इससे पौधे नीचे आए, और इससे आगे वाले जो कैरी में हम देखते हैं जहाँ पर हमने स्प्रे नहीं किया है इसमें देखेंगे लगभग सभी पौधे इसमें टच होने को आए हैं, और इसके पास वाले जिसमें स्प्रे किया था इसमें अभी जाली में बहुत कम पौधे टच हुए हैं। तो अभी 5 दिन में तो हमें कुछ फर्क देखने को मिला है। दोस्तों अब चने की फसल पर हमने जो डेमो डाला था उसका रिजल्ट देखते हैं। 5 दिन पहले हमने यहाँ जो लकड़ी दिख रही है आपको कैरी में, वहाँ तक हमने स्प्रे किया था और पास वाली कैरी को हमने छोड़ दिया था, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा विशेष फर्क देखने को नहीं मिल रहा है, या पास से देखने पर भी कोई ज़्यादा विशेष फर्क नहीं मिल रहा है, और इस साइड में स्प्रे कर रखा है और इस साइड में स्प्रे नहीं कर रखा है। और गेहूं की फसल की डेमो की बात करें तो इस कैरी में हमने स्प्रे कर रखा है और पास वाली जो कैरी है उसको छोड़ दिया था, लेकिन गेहूं की फसल पर तो कोई ज़्यादा विशेष हमें अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। ये जो लकड़ी डाल रखी है यहाँ से इस साइड में स्प्रे किया और इस साइड में नहीं किया है, लेकिन कोई ज़्यादा फर्क नहीं मिला है। दोस्तों अफीम की फसल में हमने 7 दिन पहले लियोसिन का स्प्रे किया था इन दो कैरियों में, और आप देख रहे हैं इसमें जालियां पूरी तरह से दिख रही है, और पास वाली जो कैरी है इसमें हमने स्प्रे नहीं किया था, और इसमें आप देखेंगे तो आप जाली से ऊपर निकले हुए पौधे देखेंगे, तो मतलब कुछ न कुछ हमें यहाँ पर लियोसिन का अफीम की फसल पर रिजल्ट बढ़िया देखने को मिला है। दोस्तों कंपनी चाहे रिकमेंड करे ना करे, लेकिन हम किसान जो है किसी भी दवाई का प्रैक्टिकल करके उसको फेल या पास कर सकते हैं। ये दो कैरियाँ हैं, इसकी जो फर्स्ट वाली कैरी है इसमें हमने स्प्रे किया था, और जो बगल वाली जो कैरी है इसमें हमने स्प्रे नहीं किया था। इसमें जाली के ऊपर कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं, और जो पास वाली जो कैरी है इसमें जाली के ऊपर पौधे कम निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, और जाली ज़्यादा दिखाई दे रही है। अफीम के प्लाट में लियोसिन का स्प्रे किया था, उसके बाद हमने 5 दिन बाद इसका रिजल्ट देखा था, और वापस 10 दिन बाद आज हम इसमें डबल स्प्रे कर रहे हैं। जिन 2-3 कैरियों में हमने इसका स्प्रे किया था उसी में हम डबल स्प्रे कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट कैसे क्या रहता है इसका रिजल्ट हम आपको अवश्य बताएंगे। हमने 10 दिन पहले इस कैरी में स्प्रे किया था, ठीक है, और आज 10वां दिन है, इसमें हम डबल स्प्रे कर रहे हैं उसी लियोसिन का 50 ml प्रति पंप के हिसाब से। दोस्तों हम चने की फसल में भी 10 दिन पहले हमने लियोसिन का स्प्रे किया था, और आज 10 दिन बाद हम इसमें वापस डबल से स्प्रे कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट भी हम आपको अवश्य बताएंगे। आप सामने जो लकड़ी देख रहे हैं वहाँ तक हम लियोसिन का डबल स्प्रे करेंगे। दोस्तों गेहूँ की फसल में भी हमने 10 दिन पहले स्प्रे किया था लियोसिन का, और 10 दिन बाद आज हम इसमें लियोसिन का डबल स्प्रे कर रहे हैं, इसका भी हम रिजल्ट आपको अवश्य बताएंगे। दोस्तों लियोसिन का एक डेमो हम लहसुन की एक कैरी में कर रहे हैं, और देखते हैं कि इसके कंद में और हाइट में कितना फर्क पड़ता है। दोस्तों इस कैरी की तुलना जिसमें लियोसिन स्प्रे कर रखी है हमने, हम पास वाले कैरी की तुलना बाद के वीडियो में हम आपको
बताएंगे। अफीम, लहसुन, चना व गेहूं की फसल में इस डेमो का रिजल्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आपको समय पे और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।